ऐसा है कि हम ये फैन आईडी के सेंटर में पहुंच गए, ये पूरा जो है सेंटर है, यहाँ से फैन आईडी मिलती है। मैं आपको थोड़ी लोकेशन बता दूँ, ये है पीटरलैंड शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे इनके जो है फर्स्ट फ्लोर पे फैन आईडी का जो है सेंटर बना हुआ है। यहाँ से आप गेट से एंटर होंगे अंदर, पहले आप ये साइड वाले जो बने 567 लेफ्ट साइड पर होगा, आपके इनके पास जाएंगे, ये आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आप वेट करें, आपका नाम कॉल किया जाएगा दूसरे अपोजिट वाले काउंटर में से, तो आप वहाँ से जाके फैन आई डी कलेक्ट कर लेना। ठीक हो गया, ये प्रोसीजर है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सीन है, और आप वीडियो देखते रहें। अभी कोई 3:30 हो गए हैं और 4 बजे मैच है, तो आप देखते हैं क्या सीन होगा। भाई जो ये फैन आई डी दे रहा है भाई, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अभी मेरा भी नाम आएगा कुछ देर में। हियर इज माय फैन आई डी, सो फाइनली आई गॉट माय फैन आई डी, तो फाइनली जो है मेरी फैन आई डी आ गई है। इस माय फैन आई डी, अब ये रशिया मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पूरा होता है, यहाँ पे इस फैन आई डी पे जो है मेट्रो फ्री है बिल्कुल। माजिद भाई को भी आ गई, अभी बस हम जा रहे हैं मैच के लिए, 4 बजे मैच स्टार्ट है। आज के चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें, वीडियो हम आपको पूरा रशिया दिखाने वाले हैं, मेरे चैनल पे भी देखें। अभी हम मैच देखने जा रहे हैं, स्वीडन और स्लोवाकिया का फैन आई डी हमें मिल गई है। चलो ओके, वीडियो देखते रहें। वो सामने बना हुआ फैन आई डी का जो है सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे, आप सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, वो सामने बना हुआ फैन आई डी का। अब हम जा रहे हैं मैच के लिए, तो बाकी आपको बताएंगे क्या सीन चल रहा है। तो भाई सीन ऐसा है कि ये है पीटरलैंड, सही है, और मैं आपको बताऊं कि दो यहाँ पे दो क्या नाम है सेंटर है टिकट लेने के। आपने जो ये पीटरलैंड है ये बिल्कुल ग्राउंड के सामने है, सही है, तो यहाँ से आप अगर ले सकते हैं यहाँ से ले लें, नहीं तो अगर दूसरा वाला जो है उसका मेरे को अंदाज़ा नहीं किस साइड पर है, लेकिन वो दूसरी साइड पर है, तो आपकी मर्ज़ी है जहाँ से लें। अगर आपका मैच है जिस दिन आपने उसी दिन लेनी है, तो आप जो है यहाँ से पीटरलैंड से आके टिकट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया, सामने ग्राउंड ही है इसके ना, तो अभी ग्राउंड की साइड जा रहा हूँ।